क्रिसमस का मतलब होता है परमेश्वर का पैदा होना, जिसके लिए हम हर्षोल्लास से क्रिसमस मनाते हैं। मैरी क्यों बोलते हैं हम लोग? क्योंकि वो खुशी का दिन है हमारे लिए। अगर परमेश्वर पैदा होता और हमें मालूम ही नहीं चलता तो हम क्या मनाते? कुछ नहीं मनाते ना, अपनी दुनिया में जी रहे होते। जो बाकी त्यौहार होते रहे हो रहा तो उसमें उसी को एंजॉय करते। मैरी हम लोग बोलते हैं क्योंकि हम पहले होता था कि हैप्पी बोलते थे, हैप्पी क्रिसमस। लेकिन हैप्पी क्या होता है? हैप्पी एक सीमित समय के लिए होता है। हमारा बर्थडे होता है तो हम हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, ठीक है। वो साल भर तो हम बर्थडे नहीं मनाते ना, सिर्फ एक दिन मनाते हैं साल के। भी क्या नाम आपका आपका जो क्या बोलते हैं उसको, एनिवर्सरी भी आती है अगर है, साल में एक ही बार आती है भाई, अच्छा एक ही बार आती है। हाँ वो भी एक प्रॉब्लम होती है, और भी चीजें होती है आपको नहीं मिलते। तो एक ही दिन आप इंजॉय करते हो। लेकिन मैरी का मतलब ये होता है दिल के अंदर खुशी। जरूरी नहीं है कि 25 दिसंबर जो है उसी में मनाया जाएगा। परमेश्वर जब आपके दिल में जन्म लेगा वो क्रिसमस है, और उस दिन आप हैप्पी नहीं होंगे। आपके अंदर खुद परमेश्वर का जो उत्साह है, जो खुशी है, वो आपके अंदर बस जाएगी। तब हमेशा हर चीज में, चाहे वो दुख भी होगा, तब उसमें क्या मुस्कुराओगे? ऐसा नहीं प्रफुल्ल की साक्षी बताई आपने। हाँ प्रफुल्ल का आप देख लो, एक उदाहरण है, वाकई में उदाहरण है। इंग्लिश कल्चर में भी मैंने लोगों को ये बताया कि इस लेडी को देखो, इसका विश्वास देखो कितना अटल है परमेश्वर के ऊपर। आपका भी कितना अटल है परमेश्वर के ऊपर, कि मतलब बुरा से बुरा हो रहा होगा, हालत बुरी थी। जो मैंने बात की है कि इनके दामाद से बात की, उसकी भी आवाज़ में बहुत ही डरा हुआ था वो, कि पता नहीं सर क्या होगा, पर पास्टर क्या होगा, कैसे होगा, डॉक्टर बता नहीं रहे हैं। सबने बोला है कि नहीं बचेगा। मैंने आपको नहीं बोला चीज, लेकिन आपके आपने जो मुझसे बोला था उससे भी आपने बोला था कि किसी का हृदय 10% पे चल रहा हो उसके बचने का चांस बहुत मुश्किल है। मतलब डॉक्टर्स भी एक हाथ मतलब उम्मीद छोड़ देते हैं कि भाई अब मैं कुछ नहीं कर सकता, जिसकी उम्मीद है मैं उसके पास जाके उसको ठीक करूँ। लेकिन डॉक्टर ने तो ये भी बोला था अभी कुछ नहीं कर सकते, ऐसा ही रहेगा। तो हमारा परमेश्वर डॉक्टरों का डॉक्टर है, और उसने क्या किया, आप सबकी प्रार्थना सुनी, एक माँ की प्रार्थना सुनी, और उसने उसको चंगाई दी कि वो घर पे है। चर्च भी गया है, बताओ। वो बात कर रहा था मेरे से तो इनको लगा ही नहीं, वो ये तीन चार दिन पहले की बात है ना, तीन चार दिन पहले में से ऐसा हुआ था। और आज टैक्सी में से बोल रहा था गोरी माँ को, मेरे को मैसेज सुना प्रफुल्ल मगर मुझे माइंड में नहीं है इनका बेटा सर वो, मैंने इनका भी मैसेज सुना, मुझे लगा आपके इंग्लिश का लेक्चर में किसी ओल्ड एज वाले का उस तो फ्रेंड बता रहा प्रार्थना की। हां मैंने सुनी बाद में, प्रार्थना की आपने ना, बस वो जानते हैं किसके लिए प्रार्थना कर रहे हो। तो आपकी दीदी बोल रही ना मेरे इनका बेटे से, बिल्कुल मैं भी प्रार्थना की, लेकिन उनको कल पूछा कौन है तो बोले मेरा बेटा है। सब लोगों ने बोला है नाम कुछ नहीं होगा प्रभु, बच्चों के साथ कुछ होता है तो हम सबों को दुख होता है, दर्द होता है, चाहे किसी के बच्चे अपने हों या किसी और के बच्चे, दर्द होता है, दुख होता है। चलो खैर, परमेश्वर ने आपको क्रिसमस गिफ्ट दिया है, उसको जिंदगी देखे। मैं बोली मैं अभी मैं कैसे जाऊंगी, मेरे इतने लोगों को, मेरे को क्रिसमस हमने सेलिब्रेट करने का सबको बोला है, यहाँ तक कि मैंने आज दिन इनको ये बोला कि ठीक है आप क्रिसमस का जो पार्टी वगैरह की बात हो रही है उसको टाल दो। इनका अटल था नहीं, मेरा प्रभु ठीक करेगा, हम पार्टी करेंगे और मैं उसके बाद पार्टी के बाद में जाऊंगी इंडिया। यार इतना विश्वास तो मुझे भी नहीं होगा शायद, पता नहीं ऐसा ना होगी मतलब। लेकिन बहुत अच्छा लगा आपने ऐसा बोला, और आप इसके इनके अंदर में हो, जो भी आपको सिखाएंगी परमेश्वर की तरफ से आएगा, अनुग्रह आपके पास है परमेश्वर का, ये साफ दिख रहा है इसमें। चलिए आइए आज के मैसेज पे आते हैं। तो जैसे मैं बता रहा था, फिर क्रिसमस के बारे में बात किया, पूछा क्रिसमस क्यों मनाते हैं, तो यीशु पैदा हुआ था, उनके माँ बाप कौन थे, वो सब हम जानते हैं। बाइबल में भी आपने देखा होगा, पिक्चरों से देखी हो आपने। आज हम देखना चाहेंगे उनके बारे में जो भविष्यवाणियाँ की गई थी यीशु के पैदा होने से पहले। ऐसा नहीं कि 2 साल 5 साल 6 साल पहले, ऐसा नहीं, हजारों साल पहले उनकी भविष्यवाणी की गई थी कि यीशु मसीह पैदा होगा और ऐसे ऐसे पैदा होगा।
कई हैं, मैंने सिर्फ सात आज लिए, सात के बारे में हम जल्दी देखेंगे, ठीक है? तैयार हो सब लोग? सब लोग गुड। तो छोटी सी प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए खुदावन। खुदावन इस समय जब हम तेरे सम्मुख आते हैं खुदावन, हमें आशीषित कर, हमें वो हृदय दे, वो मन दे, वो काम दे खुदावन, जो तेरे वचन सुन सकें और उसको समझ सकें और खुदावन क्रिसमस सही तौर पे मना सकें। खुदावन आज जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ खुदावन, ये जो जो कुछ भी तूने मेरे अंदर अपना वचन डाला है खुदावन, वो मैं तेरे लोगों तक पहुँचा सकूँ इस काबिल बना। मेरे मुँह से जो भी शब्द निकले वो तेरे शब्द हो खुदावन, मेरे नहीं। सबको तेरे हाथों में सौंपते हुए तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। इससे पहले कि मैं वचन में आऊँ, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, ठीक है? और एक प्रश्न जो है वो है, यीशु मसीह ने, आइए बैठिए यहाँ जगह, आगे भी जगह, अरे आगे भी जगह, आगे भी जगह, और ये सब करते हैं, ये स्कूल नहीं है जहाँ पे टीचर के सबके पास आने से लोग डरते हैं, ठीक है? आप लोग आराम से बैठे, कहीं बैठे, पूरी जगह खाली है, आगे पूरी लाइन खाली है। चलिए खैर, जो जैसे बता रहे थे, यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में जो पैदा होने से जब तक कि उनकी मृत्यु नहीं हुई या अपना जीवित नहीं हुए वो, तब तक करीबन 300 भविष्यवाणियाँ पूरी की हैं, और उनके पैदा होने की भविष्यवाणियों में करीबन 7-8 भविष्यवाणियाँ हैं जो पूरी की गई थी। तो यहाँ पर एक प्रश्न मैंने आपके सामने रखा है, इसकी क्या संभावना है कि एक इंसान, एक व्यक्ति 300 से ज़्यादा भविष्यवाणियों को पूरा कर सकता है? क्या समझना, कितना परसेंट आप, 1%, 2%, 10%, 50%, 60%? हाउ जवाब नहीं इसका। कुछ लोगों ने जो कि जिनको एक्सपर्ट बोलते हैं, उन्होंने गणित में बहुत ज्ञान प्राप्त किया हुआ है और विज्ञान में भी उन्होंने काफ़ी आगे हैं, इनकी एक टीम बनी, उन्होंने आपस में मिल के बैठ के और उन्होंने देखा कि बाइबल में जो यीशु मसीह ने जो भविष्यवाणियाँ पूरी की हैं, एक इंसान अगर पूरी करने की कोशिश करे जानते हुए, तो उससे वो कर सकता है नहीं कर सकता है, तो उनके कितना प्रतिशत होगा? तो 1 से लेकर 10 के बीच में उन्होंने सोचा, 1 से लेकर 10 के बीच में कहाँ पहुँचेगा वो, तो उन्होंने जो नंबर दिया वो आप बताइएगा क्या नंबर लिखा है। 1 से लेकर 10 के बीच में उन्होंने बोला 17-0, और अगर परसेंटेज लेते हैं, हम लोग 1%, 2% की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे इतने 0 लगाएंगे और उसके बाद 1%, ये उम्मीद है एक इंसान अब भविष्यवाणियों को पूरा कर सकता है। इसको बहुत साधारण तरीके से मैं समझाता हूँ आपको, समझिए हम इस कमरे में बैठे हैं, इस कमरे में मैं 50 सेंट के सिक्के, सबने देखे ना 50 सेंट के सिक्के, 50 सेंट के सिक्के मैं करीबन इसमें इतने यहाँ तक भर देता हूँ, ठीक है? हम सब इसी कमरे में, हम सिक्के के ऊपर खड़े हुए हैं या हमारे चार दसे हुए हैं, तो हमारे घुटनों तक वो सिक्के आ रहे हैं, इतने इतने ढेर सिक्के हैं यहाँ पे, ठीक है? समझ में आया? उसमें से एक सिक्के पे मैं एक काला दाग बनाता हूँ, ठीक है? और आपसे कहता हूँ आप लोग बाहर जाओ, मैं यहाँ पे ला के उसमें कहीं पर उसे कहीं भी डाल देता हूँ, फिर आपसे बोलता हूँ अच्छा अंदर आओ, आँख पे पट्टी लगाओ और उसको, आपको एक ही मौका मिला है, उसे ढूंढ के निकालो, नहीं निकाल पाएंगे ना, आंखों पे पट्टी तो कैसे निकालेंगे? सिक्के तो नीचे ही है ना, वो दाग वाला ढूंढना है, हाँ ढूंढना है। तो मतलब ये उदाहरण दिया है उन लोगों ने कि किस तरीके से भविष्य, एक इंसान भविष्यवाणियों को पूरा करने में सामर्थ्य रखता है कि नहीं रखता है, नहीं रखता है, नहीं कर सकता। तो क्योंकि ये बात है कि हाँ अंदर आए, जो पहला सिक्का उठाया वही उसी में दाग बना हुआ, कारनेशन बना हुआ है, वो सिर्फ कोइंसिडेंस वाली बात है, लेकिन पॉसिबल ही नहीं है जब तक कि कोई चमत्कार ना हो। तो इसी तरह आज हम देखते हैं सात में से, मतलब बोला सात भविष्यवाणियाँ हम देखेंगे। तो पहली भविष्यवाणी है, आप में से बाइबल किसके पास है, मैं चाहूँगा कि कुछ
लोग बाइबल खोल कर रखें ताकि उसमें कुछ पढ़ भी सकें। पहली भविष्यवाणी है उत्पत्ति 3, और ये शुरू में है, बाइबल की शुरुआत की कहानी है, जब जब परमेश्वर ने औरत और जितना कुछ है, जीव जंतु, अर्थ है, हेवन है, सब कुछ बनाया था उसने, उस समय की बात है। उस समय आदम हवा को किसने वहां पर लाया, किसने उसे उन्हें गुमराह किया? शैतान ने, एक सांप के रूप में। और उस समय, उसी समय परमेश्वर ने पहली भविष्यवाणी की यीशु मसीह के बारे में। उसने क्या बोला, इसमें क्या लिखा है कि मैं तेरे, और यहाँ पे वो उस शैतान से बात कर रहे हैं, शैतान जो कि एक सांप के भेष में है, उससे बोल रहे हैं, परमेश्वर बोल रहा है, और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैल उत्पन्न करूंगा, वो तेरे सिर को कुचल देगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। किसकी बात हो रही है, किसकी किसको कुचलने की बात हो रही है? सांप को। किसका वंश उसको उसको कुचलेगा? आदम और हवा। आदम हवा का वंश कौन? यीशु मसीह। तो उस समय ही ये परमेश्वर ने ये पहली भविष्यवाणी कर दी थी कि शैतान को मात मिलेगी, एक ऐसा समय आएगा कि शैतान को मात मिलेगी, और वो मात हमेशा के लिए होगी, क्योंकि अगर आप सांप को कुचल दोगे, उसका उसका फन कुचल दोगे, तो उसकी जिंदगी नहीं बचेगी, वो मर चुका होगा। उसी तरह जब परमेश्वर सूली पर चढ़ा तो शैतान का जो हमारे ऊपर जो 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 शक्ति थी, हमारे ऊपर जो उसने पकड़ा, हमें पकड़ के रखा हुआ था, वो सब कुछ टूट गया, एक बार में सब कुछ टूट गया, खत्म हो गया। ये पहली भविष्यवाणी। दूसरी भविष्यवाणी क्या थी? वो भी उत्पत्ति में ही है, उत्पत्ति में 12:3 में लिखा है कि और जो तुझे ये अब्राहम को बोला है परमेश्वर ने, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, मैं आशीष मतलब मैं नहीं आशीष दूंगा, आशीर्वाद दूंगा, और जो तुम्हें कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। भूमंडल के सारे कुल युग युगांतर तक, पीढ़ी दर पीढ़ी अब्राहम की वंशज में से उत्पन्न होगा मसीहा, जिसकी वजह से आगे की वंशज जो है वो सब को आशीष पाएंगे, उन्हें ब्लेसिंग मिलेगी। और ये अगर आप देखो कि ये कैसे पूरा हुआ, कहाँ पे लिखा है ये कि ये पूरा हुआ, ये आपको मिलेगा मती में, मती पहले पहले पहला में मिलेगा, इसमें लिखा इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। किस वंश से यीशु मसीह था? अब्राहम, डेविड, उनकी उस वंश से था, 14वीं पीढ़ी में हुआ, 14 अगर आप देखोगे उसमें तो 14 42 पीढ़ी निकल गई उसके बाद, 42 में ना 14 42 तो 42 पीढ़ी जब निकल गई अब्राहम से लेके यीशु मसीह के जन्म होने तक, दाविद के बाद 14वीं पीढ़ी, हाँ, तब वो परमेश्वर पैदा हुआ। और ये भविष्यवाणी की गई थी 18वीं सदी में, यीशु मसीह के पैदा होने से 18वीं सदी पहले। यीशु मसीह अब्राहम का वंशज था, जो कि हमारा मसीहा था, मसीहा है, और उसके जरिए हम सबको आशीष मिली है और हमें स्वर्ग में जाने का मौका मिला है। तीसरा हम देखते हैं, तीसरा अब इसको जर्माया बोलते हैं हिंदी में, मैं बहुत कोशिश की, मैं 2-3 से कोशिश कर रहा हूँ, इसको बोलते क्या है, क्या बोलते हैं, यर्मया। उसमें लिखा है यहोवा की वो भी वाणी है, देख आप इस कौन पढ़ेगा इसको, यहोवा की यह भी वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इजरायली लोग निडर बसे रहेंगे और यहोवा उसका नाम
यहोवा हमारी धार्मिकता करेगा रखेगा रखेगा आमीन। यीशु मसीह दाऊद डेविड जिसे कि दाऊद बोलते हैं आप हिंदी में, दाऊद के वंश से भी अब्राहम के बाद दाऊद, दाऊद के बाद यीशु मसीह, पूरा वंश आपको उस बाइबल में लिखा हुआ मिला। और ये भविष्यवाणी कब की गई थी? यीशु मसीह के 600 साल पहले, पैदा होने से पहले। आप में से किसी ने भविष्यवाणी की है कि 400 साल पहले आपके बाप के घर में क्या होने वाला है? हमें कब का तो मालूम नहीं, हम 400 साल पहले आए हैं, क्या 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 बोले हमारे बच्चों को बच्चा होने वाला है तो हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लड़का होगा। सही बात है। लेकिन अगर आप ये देखें कि ये भविष्यवाणी पूरी हुई है और दाऊद का इसमें नाम लिया गया है, जब आप जब जब गब्रियल आया था मरियम के पास तो उसने क्या बोला था उससे, कोई पढ़ेगा लूका में? और देख तू तू गर्भवती हो, हाँ हाँ आपको बीच में आते हैं ना, इसलिए हमें दिखाई नहीं देता। तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम यीशु रखना, वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज करेगा उसके राज्य का अंत ना होगा। लेकिन इसमें आपने एक चीज देखी, किसका नाम आया है? दाऊद का। भविष्यवाणी 600 साल पहले हुई, लेकिन जब मरियम के पास वो जो फरिश्ता आया, गब्रियल आया, उसने आके यही बोला उसको कि ये दाऊद का वंशज है, उसके सिंहासन को ये उस पर बैठेगा ये, और इसके राज्य का अंत नहीं होगा। देखा, ये है तीसरी भविष्यवाणी। चौथी भविष्यवाणी देखते हैं। चौथी भविष्यवाणी है यशाया, जिसमें लिखा है इस कारण प्रभु आप क्या लिखा है? इस कारण आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। ये भविष्यवाणी की गई थी 700 साल पहले, यीशु मसीह के पैदा होने से 700 साल पहले। सोचने नहीं वाली वाली बात है कि ऐसा होगा और वैसा ही हुआ, जैसा कि अजाया ने यीशु मसीह के बारे में बोला था। इमानुएल, इमानुएल मतलब क्या होता है? परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे संग है, हमारे साथ है। अब इसमें हम लूका में, लूका एक में देखते हैं 26 से लेकर 28 तक, थोड़ा लंबा है, अपने बाइबल खोलिए उसमें हम पढ़ेंगे वहां से। लुका, उसके बाद मती का एक, पहले लुका देखिए, लुका एक 26 से लेके 28 तक, 26 से लेके 38 तक। अब ध्यान से सुनिएगा, छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल देवदूत गालील में नासरत नगर में एक कुआरी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुआरी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। जब वह वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना, वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उनके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने देवदूत से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए यह पवित्र
जो पवित्र उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख तेरी कुटुंबिनी अलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, यह उसका जो पांच कहलाती थी छठवां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभावशाली नहीं प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उससे उसके पास से चला गया ये है जो जो गैब्रियल जो था जो वो उसके पास आया था और मरियम के पास आया, मरियम के बोला ऐसा ऐसा है। आपने कभी सोचा, हम यीशु मसीह के बारे में जरूर सोचते हैं ना, यीशु मसीह का देखने कैसा होगा, कैसा रहा होगा, कैसा डिंडौल होगा, दाढ़ी थी नहीं थी, बाल कितने लंबे थे, सोचते हैं ना सी हर चीज़ें हम। लेकिन मरियम के बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं, सोचते हैं उसको मरियम में रोल लेंगे, है ना, ऐसा नहीं कि किसी को भी दे दिया। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि हमारे दिल में मरियम के लिए एक इज्जत है, प्यार है, वो हम उसको ये नहीं मानते कि वो एक आम लड़की है, बहुत ही खूबसूरत लड़की रही होगी तभी परमेश्वर ने चुना है। लेकिन बाइबल में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, उसके बारे में कुछ नहीं लिखा है। एक नई सीरीज आई है इस पे, क्राइस्ट पे पूरा, जैसे कैसे यीशु मसीह का जन्म हुआ, उसमें जो लड़की को दिखाया, जो मरियम दिखाया है, बिल्कुल साधारण लड़की दिखाई है। उस समय एक कारपेंटर की लड़की की वाइफ कैसी होगी, क्योंकि देखिए उस समय जो बड़े ये काम करते थे वो लोग, जैसे हम लोग मिडिल क्लास की फैमिली होती है, लोअर क्लास, वो लोग लोअर क्लास में नीचे थे, उनके लिए रोज मछुआरे होते हैं, जब तक वो रोज जाएंगे नहीं, मछली नहीं पकड़ेंगे, बेचेंगे नहीं, तब तक खा नहीं सकते। उसी तरह बढ़ई वाले काम, और जो जो क्या था, बढ़ई का काम करता था, लकड़ी का काम, वो सब बनाता था। तो हम ये नहीं कह सकते अरे उसके जो माता पिता थे, मरियम के माता पिता थे, तो वो भी अच्छे, मतलब ऐसा नहीं बहुत अच्छे पैसे वाले थे, ऐसा कुछ नहीं था। उनका घर इजाम में घर देखोगे अगर आप जो वो उस समय कर रहे हैं, तो आपको लगेगा अरे बाप रे ऐसे घर में तो रह नहीं सकते, इस तरह का घर है वो, बहुत छोटा, बहुत ही केव, बहुत ही नहीं रह सकते वहाँ पे, मतलब वैसे उस तरह का है। लेकिन वहाँ पर मरियम पहली बड़ी हुई, ऐसा तो है नहीं कि उस समय वो लिपस्टिक लगा के मेकअप करके बड़े सुंदर दिखती होगी, कुछ नहीं, बिल्कुल साधारण लड़की थी। लेकिन साधारण होते हुए भी परमेश्वर ने उसे चुना, परमेश्वर की नज़र में कोई खूबसूरत है नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी नज़र में आप सब लोग बहुत खूबसूरत हैं, सब आप सब लोग उसके अपने बच्चे हैं। इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके ऊपर भी है, उसी तरीके से जिस तरह मरियम के ऊपर है। हमने ये भी देखा इस वचन में, जैसे मैं बहन ने पढ़ा कि उसमें लिखा है कि मरियम को दूत आया, उसने बताया कि भाई तुम गर्भवती होगी और उसकी शादी होने वाली थी यूसुफ के साथ। मैं बहुत बार सोचता था इसके बारे में, यार ये कैसे हो सकता है, यूसुफ कैसे मानेगा। अब मेरी जब शादी होने वाली थी, 3 साल हम लोग की एंगेजमेंट थी, शादी नहीं हुई थी, तो 3 साल में खूब घूमे फिरे, ये हुआ सब, पूरा आज़ादी थी। लेकिन उस समय अगर जया मेरी भाई जया मुझसे आशीष आशीष गिरो मुझे मालूम है मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, नहीं घबराऊ नहीं ऊपर वाले के, तो मैं मानता क्या, हमारे बच्चे अगर हमारी बेटी अगर आके हमसे बोलेगी कि नहीं जी मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन मम्मी पापा घबराओ नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह है, कौन मानेगा इस चीज़ को, आज मानेगा कोई, तभी नहीं मानते था, तभी नहीं, परेशान थी अरे मैं कैसे होगा मेरे साथ ये। लेकिन उसने क्या किया, उसने सबको समर्पण कर दिया परमेश्वर के ऊपर, जैसी तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि उससे मालूम था कि अगर ये हो रहा है तो आगे भी जो होगा उससे परमेश्वर की मर्जी है। अगर हम और आप उस जगह होते, बाइबल ने कहीं नहीं लिखा है कि उसके जो माता पिता थे उनके ऊपर क्या उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई, उन्होंने क्या बोला, क्या सोचा,
बाइबल नहीं लिखा, ये कहीं लिखा नहीं, कहीं कुछ नहीं लिखा। लेकिन अगर आप ये पिक्चर देखोगे तो उस इस पिक्चर में भी ये चीज दिखाई गई है कि जब मरियम ने अपनी माँ को पहले बोला, दीपे से माँ को जाकर चुपचाप से बोला कि ऐसा सब हुआ, माँ को तो यकीन ही नहीं हुआ, कौन यकीन करेगा, तुम हो कौन, परमेश्वर का दूत तुम्हारे पास आएगा जो हमने कभी सुना नहीं, कभी हुआ नहीं, वो तुम्हारे साथ होने वाला है। किसी ने यकीन नहीं किया, उसके पिता ने यकीन नहीं किया, और यहाँ तक कि मरियम ने जब यूसुफ को बताया, यूसुफ ने भी उस पर यकीन नहीं किया। प्यार करता था वो, बात सब कुछ सही है, लेकिन उसने भी यकीन नहीं किया। और गैब्रियल जो दाऊद जो 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 दूत था उसको मालूम था कि ये आदमी है, ये यकीन नहीं करने वाला, चाहे जितना कुछ हो जाए। तो उसको खुद आना पड़ा उसके पास, यूसुफ के पास, उसको समझाने के लिए। वो है मत्ती 1:30-23 पढ़े कोई, 20-23। जब वो इन बातों को सोच में था, यूसुफ के बारे में बात हो रही है, यूसुफ सोच रहा था कि मैं इसको छोड़ दूंगा चला जाऊंगा यहाँ। प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ दाऊद के संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का अपने पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। तो यहाँ पर आप तो देखा, इन आदमी की फितरत नहीं बदली ना, तभी शक करता ना, आज भी शक करता है, यह कैसे कर सकता है। जब तक कि दूत नहीं आया उसके पास, उसको यकीन नहीं हुआ। और जब उसे यकीन हो गया कि हाँ मेरी जो पत्नी है उसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है, उसके बाद से उसने उसका साथ कभी नहीं छोड़ा, अपने आखिरी समय तक, आखिरी सांस तक उसके साथ रहा। तो यहाँ हमने देखा कि एक और जो प्रोफेसी थी, जो जिसको कि भविष्यवाणी थी कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और जन्म देगी, और नाम तक भी इम्मानुएल नाम रखेगी, सब कुछ पूरा हुआ। यीशु के जन्म में भी है ना, यशया में भी लिखा है इम्मानुएल रखना, सब कुछ पूरा हुआ। एक और हम देखते हैं वचन, वो है मीका का। यहाँ देखो, यहाँ तक कि हमने देखा कि चलो उसके बारे में बात हो गई, मरियम के बारे में बात हो गई, जोसेफ के बारे में बात हो गई। बाइबल में यहाँ तक लिखा कि जगह का भी जिक्र है, किस जगह, किस नगर। इसमें मीका 5 तो में क्या लिखा है सामने है, ये बेतलहम यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इज़राइल में एक प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से होता आया है। ना ये जो है, ये मीका ने लिखा है इसे परमेश्वर के जन्म होने से 800 साल पहले। जगह का नाम दिया है बेतलहम में, ऐसा ना बेतलहम कोई बड़ी जगह नहीं है, बहुत छोटी जगह है। और मैं तो बहुत ही, जब मैं गया था वहाँ पे, मैं तो उसको चौड़ी सोच गया था, बेतलहम परमेश्वर का जन्म हुआ था वहाँ पे, कुछ नहीं वहाँ पे ऐसा देखना है, मतलब बहुत ही साधारण सा शहर है वो, बहुत ही। यहाँ तक कि इस समय तो ऐसा भी है कि वो जो भी वो कमाते हैं पैसा, वो चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो जो भी पैसा वो कमाते हैं उन्हें अपने ऊपर ही खर्चा करना पड़ता है, बाहर से पैसा आ नहीं सकता, पैसा बाहर जा नहीं सकता। बेतलहम में बहुत, अब खुदा ऐसा मौका दे आपको कि आप वहाँ जा सको और देखो। जब बेतलहम में हम घुसते हैं अंदर, तो चारों तरफ दीवारें हैं और इतनी वहाँ सेना एकत्रित रहती है, एक पेपर आपका चेक किया जाता है, एक एक आपका बैग चेक किया जाता है जब हम बैठने में अंदर घुसते हैं, और उसके बाद ना हम घुस गए उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैठने में बहुत चीज़ें देखने लायक चीज़ें हैं वहाँ पर। तो हम लोग जाने वाले इज़राइल, बहुत बढ़िया बोला तो है, मगर प्रभु जब
अब जब यीशु मसीह का जन्म होने वाला था, यीशु मसीह बैतलहम में नहीं रह रहे, या जोसेफ मेरी बैतलहम में नहीं रह रहे थे, लेकिन उस समय ऐसी परिस्थिति आई कि उनको अपना शहर छोड़ के बैतलहम आना पड़ा। और वो क्या हुआ वो हम देखते हैं लूका 2 में 1 से लेकर 7 तक में, लूका 2:1-7। उन दिनों में ऑगस्टस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए। ये पहली नाम लिखाई उस समय हुई। इस समय हुई जब क्वारिनियस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अतः यीशु भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गालील के नासरत नगर से यहूदियों में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उसके जनने के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौटा पुत्र जनी और उसके कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उसके लिए समय सराय में जगह न थी। तो मैं जैसे बोल रहा था यहाँ पर बैतलहम पहुँचने का जरिया बनाया गया, बनाया परमेश्वर ने कि वो भविष्यवाणी पूरी हो सके। कहाँ के वो नाजरत के रहने वाले लोग थे, पैदा यीशु मसीह नासरत में पैदा हो सकता था ना, लेकिन नहीं, वहाँ नहीं पैदा हुआ। पैदा हुआ कहाँ, बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवाणी की थी कि वो बैतलहम से पैदा होगा। बैतलहम बहुत छोटा, जैसे मैंने बहुत छोटी जगह है, उसका कोई वैल्यू नहीं माना जाता है, मगर नासरत यीशु ही बुलाते हैं। हाँ, क्योंकि वो जब इजिप्ट गए थे, जब भागे थे, इजिप्ट भागे थे तो वापस आए थे, तो वहाँ नाजरत गए थे, इसलिए यीशु मसीह को नाजरत बोलते हैं, वहाँ नाजरीन है, वो नाजरीन है। और यहाँ पे जैसे आपने देखा कि एक और भविष्यवाणी पूरी हुई, जब यीशु मसीह का जन्म कहाँ पे हुआ, बैतलहम में हुआ। छठवां देखते हैं हम लोग, ये है यरमायाह 31:15 में, क्या लिखा है सामने, यहोवा यह भी कहता है, सुन रामा नगर में बिलख बिलख कर रोने का शब्द सुनने में आता है। राहेल अपने बेटों के लिए रो रही है और अपने बेटों के कारण शांत नहीं होती, क्योंकि वे जाते रहे। अब ये एक बहुत दुखद घटना हुई थी उस समय। आप लोगों को मालूम है क्या हुआ था उस समय, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था, तो हम देखते ना 3 राजा आए थे, ऊंट पे आए थे। बाइबल में नहीं लिखा है कि 3 राजा आए थे, तीन तो लिखा ही नहीं कर, लेकिन हेरोदेस का एक नाम है। लेकिन कितने लोग आए थे ये नहीं मालूम है, लेकिन बाइबल में लिखा है कि वो नबी थे, वो मीन वो विश्वास करे थी, विश्वास करने वालों में थे, और वो सितारों को पढ़ते थे कि वो सितारे कैसे क्या कहाँ पे आ रहे हैं। तो उन्होंने देखा एक नया सितारा जिन्हें जन्म लिया है जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था। उससे उन्हें मालूम चला कि भविष्यवाणी, वो भी भविष्यवाणी आगे आएगी, उसके जरिए वो परमेश्वर के ढूंढते हुए परमेश्वर के पास आए थे। और जब आए राजा को ढूंढ रहे थे ना, वो जब आए वहाँ पे, वो खुद पैसे वाले थे, तो किसके पास जाएंगे, वो राजा पास गए पूछने के लिए। हेरोद था वहाँ पे राजा, उससे पूछा कि भाई मुझे वहाँ में हमने देखा, तारा देखा, एक राजा पैदा हुआ है, कहाँ है वो। हेरोद खुद ही राजा था, उसने कहा ये क्या चक्कर है, मैं होते हुए दूसरा राजा कौन, मतलब मैं अभी हूँ यहाँ पे, मैं जिंदा हूँ, दूसरा राजा पैदा हो गया, मैं गया। उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता। उसने उसको बहुत मक्खन लगाया कि ठीक है ऐसा करो, तुम जाओ ताकि देख ढूंढो उसे कहाँ पे है, उसके बाद मेरे पास आके मुझे बताना है, और फिर मैं भी जाऊँगा उसकी आराधना करने के लिए। सब झूठ उसके दिमाग में था कि जब मालूम चलेगा तो उसके बाद आके उसको मार डालेगा। अब हुआ ये कि ये तीनों जो भी नबी थे वहाँ पे गए, परमेश्वर को देखा, उन्होंने बच्चे को देखा, यीशु मसीह को देखा वहाँ पे। उसके बाद दूत आया उनके पास, और दूत ने बोला कि यहाँ से तुम दूसरे रास्ते से निकल जाओ, बिना
हेरोद के पास गए हुए। हेरोद का काम चला गया, अरे बाप रे चले गए हैं लोग। उसने क्या किया, उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि 2 साल से कम के जितने पुरुष बच्चे हैं उन सबको मार दो। तो माँ उसके गोद में से बच्चों को छीन के तलवार से उनके को काट के मार डाला गया। तो ये भविष्यवाणी भी पूरी हुई कि वहाँ पे विलाप होगा और माएँ रोएंगी। ये एक और भविष्यवाणी पूरी हुई। सातवीं भविष्यवाणी जो मैंने अब ली है वो है सितारे को लेकर। स्टार देखते हैं ना, जिस जो टेढ़ा हो गया स्टार यूँ रहता है तो स्टार हम देखते हैं, स्टार क्यों लगाते हैं, जो परमेश्वर ने जब जन्म हुआ था तो एक नए तारे ने जन्म लिया था। और ये सिर्फ एक धारणा नहीं है यार, इंसान की सोच नहीं है। अगर आप इसको साइंटिफिक उसमें देखेंगे, साइंटिस्ट ने बैठ के देखा है इसको, विज्ञान में देखा है, ऐसा हुआ था, ऐसा हो सकता था उस समय। तो उस समय उन्होंने देखा कि उस समय एक नए तारे ने जन्म लिया था और सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा बड़ा था, क्योंकि नया तारा था वो, तो सबसे ज्यादा चमकीला, सबसे ज्यादा खूबसूरत। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही शब्द यूज किया। और जैसे लोग उसको देखने जा रहे थे ना, तो उनको तारा उनको दिखाता था, रास्ता दिखा रहा था कि बेथलेम में प्रवेश का कहाँ जन्म हुआ है और वहाँ जाके उसका उजाला उसके ऊपर आया है इससे प्रवेश। तो अब हमने देखा कि इसमें देखो इधर दिखा है ना, हमारे माउंट में वहाँ पे दिखा वैसा उजाला वैसा दिखा, तभी सारे लोग वैसे गए प्रवेश में। तो ये वचन हम नहीं पढ़ेंगे, मैंने आपको काफी सुनाई दी है क्या हुआ था। अब हमने इस समय तक हमने 7 भविष्यवाणियां देखी हैं, 7 भविष्यवाणियां जो कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म से लिंक्ड हैं और सारी पूरी हुई हैं। आप सोच सकते हो कि कुछ लोग बोल सकते हैं कि बाइबल तो एक ही बुक है ना, किताब तो एक ही है, हो सकता है किसी ने जोड़ के सिर्फ बना दिया हो कि पहले के चैप्टर में जो लिखा था उसको लेके आगे के साथ एक कड़ी बना दी है, जोड़ के एक कहानी बना दी है। होता है ना, आप लोग जो किताबें अगर पढ़ी हो, पिक्चर देखी होंगी आपने, पिक्चर में भी कहानी होती है, जो जिसने भी लिखा है वो शुरू में जो 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 सस्पेंस दिखाता है या जो भी चीज़ दिखाता है एंड में सब कुछ जोड़ के उसका दिखा देता है, क्लाइमेक्स दिखा देता है। तो हो सकता है हमारे दिमाग में वही चीज़ हो कि हो सकता है इस बुक में भी ऐसे किया गया हो, लेकिन हो सकता था ऐसा, उस समय हो सकता था ये जब बाइबल को किसी एक इंसान ने लिखा होता और एक समय लिखा होता। बाइबल को अलग अलग लोगों ने अलग अलग युगों में, लोगों ने अलग अलग लोगों ने और अलग अलग युगों में, 600 साल 1500 साल पहले की बात कर रहा हूँ ना, उन लोगों ने लिखा है। और यहाँ पर सिर्फ उन किताबों को एकत्रित करके एक बाइबल बनाई गई है और कुछ नहीं है। कड़ी जोड़ने वाला कौन है? परमेश्वर। हाँ, अगर हम ये मानते हैं कि जिन्होंने भी बाइबल लिखी है, किताबें लिखी है बाइबल की, चाहे वो मूसा हो, चाहे वो जॉन हो, चाहे वो कोई भी हो, कितनों ने लिखी है, इसमें परमेश्वर का अनुग्रह उनके साथ रहा, उन्होंने वही लिखा जो परमेश्वर ने उनसे बोला लिखने को, तब मान सकते हैं क्योंकि लिखने वाले बताने वाला एक है, उसको मालूम है शुरू में क्या हुआ अंत में क्या होने वाला है। तो ये साबित होता है इससे कि ये किताब परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन है। आपको याद है सबसे पहले जब हम वचन शुरू किया था मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, वो प्रश्न था कहाँ गया, वो प्रश्न ये था ना, इसकी क्या संभावना है कि एक व्यक्ति 300 से ज़्यादा भविष्यवाणियों को पूरा कर सकता है। आपने उसको उत्तर में देखा था, जो समझ में नहीं आया। और मैं आपको उसी से जोड़ता हुआ एक और प्रश्न पूछता हूँ, दूसरा प्रश्न यह है, क्या बाइबल की भविष्यवाणी पर आप कैसे भरोसा कर सकते हैं? बाइबल पर में जो लिखी भविष्यवाणियाँ हैं उस पर आप कैसे विश्वास कर सकते हैं? और इसका जवाब आपको बाइबल में ही मिलेगा। बाइबल में व्यवस्थीकरण में लिखा है कि यदि तू अपने मन से कहे कि जो वचन यहोवा ने नहीं कहा
उसको हम किसी रीति से पहचाने, तो पहचान ये है कि जब भी कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे, ध्यान से सुने, यहोवा के नाम से कुछ कहे, तब यदि वो वचन ना घटे और ना पूरा हो तो वो वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं है। हम लोग बहुत कुछ बोलते हैं ना, ऐसा होगा वैसा होगा, ये कर रहे बोल रहे वो जगह नहीं होता है, क्योंकि हमारा अपने वचन है। हम ये नहीं बोल सकते मैंने बोल दिया है तो परमेश्वर का वचन है कि उसने बोला है, अगर उसने बोला हो तो वो पूरा होगा। और यही बाइबल कहती है, परंतु उस नबी ने ये वो बात अभिमान करके कही है, तू उससे भय ना खाना। फिर पढ़ेगा इसको अच्छी तरह शुरू से लेकर अंत तक, आप देखना। और यदि तू अपने मन में कहे कि वो वचन यहोवा ने नहीं कहा, उसको हम किसी रीत से पहचाने, तो पहचान ये है कि जब कोई नबी यहोना के नाम के कुछ कहे, तब यदि वो वचन न घटे घटे और पूरा न हो जाए, तो वो वचन यहोना का कहा हुआ नहीं, परंतु ये उस नबी ने वो बात अभिमान करके कही है, तो उससे भय न खाना। उससे भय न खाना, उसका अगर हम उल्टा लेके चले, जो बात नबी ने बोली है वो पूरी होती है, उसका मतलब क्या हुआ कि वो परमेश्वर की तरफ से है। ये भविष्यवाणियां जो हमने देखी अभी नबी ने बोली हैं पूरी हुई हैं, यानी कि ये परमेश्वर की तरफ से है कि यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है जिसने कि ये भविष्यवाणियां पूरी की हैं। दोस्तों ये जो बाइबल है इस पर आप पूरा विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का वचन है, इसमें हर शब्द जो लिखा है। मैं जब भी इसको पढ़ता हूँ, इस जो हाथ में मेरी बाइबल है इसकी भी कहानी है, ये बाइबल मैं काफ़ी समय से मेरे पास है और बीच में बाइबल खो गई थी, खो गई, मुझे लगा कि मुझसे कहीं पर रास्ते में यहीं पे बाहर जब टैक्सी से उतरा तो मुझे लगा वहाँ पे गिर गई, किसी ने उठा ली, मैं चलो इसने उठा ली उसके पास हो, मैं बहुत दुखी था, मैं सही से बहुत दुखी था, मैंने कहा परमेश्वर मैं दूसरी बाइबल नहीं खरीदूँगा, खरीदना मतलब नहीं, जब मुझे नहीं लगता कि ठीक है जाके ले सकता था, बाइबल मैं देख के भी आया, सब कुछ हुआ पसंद भी की, मैंने नहीं ली। अभी जब क्रिसमस में हमारे रंगाई वंगाई चले थे, बताइए वो चले थे, उसमें जब सफाई में करे थे उसमें बाइबल मिली, मैं तो डांस कर रहा था मैं तो एक्चुअली में डांस कर रहा था, मैं बहुत खुश हुआ कि परमेश्वर ये बाइबल, इसमें बहुत कुछ मैंने मार्क किया हुआ है, बहुत कुछ लिखा हुआ है, मैंने मेरे दिल के बहुत करीब है, इसलिए अब मैं इसको बिल्कुल नहीं छोड़ता और खुदा का धन्यवाद है कि मुझे मिली। तो आप लोगों से भी यही है कि इसमें जो वचन लिखे हुए मैं इसको पढ़ता हूँ, एक शब्द जब मैं दोबारा पढ़ता हूँ मुझे उसका एक नया अर्थ दिखता है। आप लोग किताबें पढ़ते हैं, देखते हो किताबें पढ़ते हो, आप लोग मूवीज देखते हो, ऐसा कभी हुआ है या मूवी को दोबारा देखा आपने उसको नई चीज नजर आई हो आपको? नहीं होता, किताबें पढ़ते हैं उस सबको नई चीज नजर नहीं आती है, लेकिन बाइबल में ऐसा है कि आप उसको पढ़ोगे, एक बार आपने पढ़ लिया कुछ, उसके बाद जब दोबारा कुछ देर बाद पढ़ोगे आप उसको अलग ही मतलब समझ आएगा आपको, अरे ये था ये तो मुझे नजर नहीं आया। और ऐसा ही हुआ पिछले संडे हमारे इंग्लिश कलीसिया में जो हमारे जो ब्रदर राजू हैं वो वचन लेके आए थे और उन्होंने समझाया कि यीशु मसीह के जन्म के बारे में, और वो वचन जो हम कितना हर साल हर साल पढ़े, कितनी बार हम उस चीज़ को वचन को सुनते हैं बोलते हैं पढ़ते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे वो जो एक वचन था वो हम सबसे मिस हो गया, दिमाग ही नहीं गया, ध्यान ही नहीं आया किसी को, और वो चीज़ वो लेके आए कि मैं पढ़ रहा था ये वचन मेरे सामने आया, सब जितने लोग थे हम लोग सब चुप, सब लोग वचन कई बार पढ़ चुके हैं लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। मैं वो वचन आपके सामने बाद में लेके आऊँगा, बस थोड़ी देर में 5 मिनट में लेके आता हूँ। आज मेरे पास आपके लिए सिर्फ यही वचन है, ये किताब इसमें भविष्यवाणियाँ हैं, ये किताब जिसे भविष्यवाण पूरे पूरा होने के बारे में लिखा है, ये परमेश्वर का वचन है, उसके शब्द हैं जो इसमें लोगों ने लिखे हैं। मेरा आप लोगों से अनुग्रह है इसको पढ़िए, इसको ध्यान दीजिए।
ये आपको आशीर्वाद करेगा, ये आपको बनाएगा अंदर से, आपको बनाएगा, ये आपको शक्तिशाली बनाएगा कि आपको किसी चीज से डर नहीं लगेगा, कभी डर नहीं लगेगा। दो वचन आपके सामने रखता हूं मैं इस समय, वो दो वचन ये है कि मत्ती 5:18 में लिखा है, ये यीशु मसीह ने बोला है, क्या बोला है, लोग करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। आमीन। दूसरा वचन, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरी बातें कभी न टलेगी। आमीन। आमीन। तो मेरा आप लोगों से यही अनुग्रह है कि ये वचन, इसी में परमेश्वर का वचन लिखा है, इसमें आपके लिए भी बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ यीशु मसीह के लिए के बारे में भविष्यवाणियां हैं, इस पर आपके लिए मेरे लिए बहुत सी भविष्यवाणियां हैं। इस भविष्यवाणी के द्वारा तो प्रभु को मैंने बोला, ये सारे तूने बोला है, लिखा है, ऐसे तू मेरे बेटे के जीवन में करेगा। बस और किया उसने। जब भी आपको लगता है कि आप लोग परेशानी में है, दुख में है, आप बाइबल खोलिए, इसमें इसको पढ़िए, आप हो सकता है उस समय समझ में ना आए, आंख बंद कीजिए, प्रार्थना कीजिए, कुछ दिनों बाद फिर पढ़िए उसको, आपको सब समझ में आएगा। अपने आप ही पवित्र आत्मा आपकी आंखें खोलेगी, आपको वो सब दिखेगा जो आम इंसान आप खुद को आपको नहीं दिखा, पहले कभी नहीं दिखा, वो आपको दिखेगा। जैसे मैं आपको बता रहा था, जो वचन जो हमने आज भी हमने वचन पढ़ा है, लेकिन हमने वो पढ़ के आगे बढ़ गया, उसमें उस पर ध्यान नहीं दिया। उस वचन में क्या लिखा है, जब गैब्रियल आया था मरियम के पास, हमें पढ़ा ना, बताने के लिए कि तू गर्भवती होने वाली है, तू पुत्र उत्पन्न करेगी, इसका नाम तू इमानुएल रखेगी, सारे कहानियां में थोड़ी ना। आखिर में उस दूत ने मरियम से क्या बोला, आखिर में उसने क्या बोला, उसने बोला क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता, वो पूरा होगा। जो वचन परमेश्वर की तरफ से है, बाइबल में लिखा है कि आपको कोई छू नहीं सकता, अगर आप परमेश्वर के बच्चे हैं तो आपका आपको कोई छू नहीं सकता, आपको डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सी बातें इसमें लिखी हैं जो आपके लिए हैं और हमारे लिए हैं, हमें उसको पकड़ के रखना है, क्योंकि वो ऐसे ही नहीं बोला गया है कि अरे चलो इनको खुश करने के लिए चलो बोल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं, उसने बोला है तो उसने बोला है, वो होगा पूरा, वो हमारे ऊपर है कि हम उसको पकड़ के रखें नहीं रखें, विश्वास करें ना करें। समझे, तो आज का वचन आपके लिए सिर्फ यही है कि जो बाइबल है, अगर आपका बाइबल नहीं है तो आप बैंक बताइए, तो हम आपके लिए बाइबल का इंतजाम करेंगे। इसको पढ़ने नहीं आता है, उसमें यूट्यूब में ऑडियो बाइबल भी है, जो भी है, अगर आप पढ़ना नहीं आता है वचन सुन सकते हैं, तो हम आपको बताएंगे, आपको लिंक देंगे, आपको लिंक देंगे, तो आप उसमें सुनिए, और जो भी आपको मन में आता है, जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आप खुद शेयर कीजिए। तो आज आपके लिए मेरा वचन यही है कि इसको आपने यहाँ रखो, दिल के पास रखो, ठीक है। सो मैरी क्रिसमस, और परमेश्वर आपके साथ है।